नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। मसूरी के एलबीएस एकेडमी में कोरोना का कहर, 50 से अधिक ट्रेनी आईएएस निकले पॉजिटिव, 4 दर्जन से अधिक आईएएस का सैंपल लिया गया। कोरोना का उफान, बॉर्डर पलट मोड पर प्रशासन ने दिल्ली से उत्तराखंड आने जाने वालों पर सरकार की विशेष नजर। लव जिहाद मामले में सीएम का बड़ा बयान, अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन संबंधी प्रेम नोट की होगी जांच। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर, महाकुंभ को लेकर के हरिद्वार में मंथन, 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर करेंगे शिरकत। हजारों टन फूलों से सजाया गया शीतकालीन गद्द स्थल ओमकारेश्वर मंदिर, पंच केदार गद्दी स्थल में शीतकालीन यात्रा का आगाज। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से बड़ी ठंड, चंपावत में हंसियां गलने लगी है, 3 डिग्री पहुंचा जिले का तापमान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार राज्य में किसी भी तरह का तनाव ना हो इसके लिए प्रतिबंध है। लव जिहाद की आड़ में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जा रहा है। इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो छल चम तरीके से शादी विवाह करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए लेटर पर कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए। उसमें हमने ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लव जिहाद के आड़ में कतई भी सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमेशा की तरह इस साल भी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार भी भव्य पेशवाही और शाही यात्रा निकलेगी, बल्कि कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट भी लगेंगे। साथ ही साथ 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर साधु संत और श्रद्धालु शिरकत करेंगे। अखाड़ा परिषद की बैठक में कोरोना के कुंभ पर पड़ते असर का मुद्दा पूरी तरीके से छाया रहा। हालांकि 11 मार्च के पहले शाही स्नान से पूर्व एक बार फिर कोरोना की लहर को देखकर फैसला लिया जाएगा। मेले को स्वरूप कैसा हो तो ये निर्णय हो गया। सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप लोग टेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन आम सहमति बनी कि टेंट भी लगेगा और जिस तरह 2010 का मेला हुआ उससे अच्छा मेला किया जाएगा। फरवरी या मार्च में ये निर्णय होगा, कोरोना का अगर ज्यादा बढ़ता है उस समय सब बैठ के निर्णय लेंगे, लेकिन अभी सारी तैयारी की जाएगी। अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ मेला अधिकारी रेखा जी हम सब लोग बैठे, बैठने के बाद जो प्रमुख मुद्दे सब पे चर्चा हुई, स्वरूप पे चर्चा हुई और कल फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। तंबू लगेंगे मेले में? तंबू को लेकर एक चर्चा चल रही है। तंबू लगेंगे? तंबू कहाँ प्रतिबंधित है? नहीं, सरकार लगाएगी या अखाड़े खुद लगाएंगे? नहीं नहीं, वो अभी तय होगा, सरकार तो अभी नहीं लगाएगी, लेकिन अभी यह है कि तंबुओं पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्द स्थल ओमकारेश्वर मंदिर को हजारों टन फूलों और मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया। यहाँ कल द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली पहुंच रही है, जिसके बाद पंच केदारों के दर्शन यहाँ एक साथ किए जा सकते हैं। सजने के बाद मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है।
ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ को पंच केदार शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। शीतकाल के 6 माह यहाँ भगवान केदारनाथ, द्वितीय केदार बद महेश्वर की डोलियां विराजमान रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर निरंतर तृतीय केदारनाथ, तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पंच केदार कल्पेश्वर की नृत्य पूजा अर्चना होती है। इस कारण ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ को पंच केदार शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त एक साथ पंच केदार के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। भगवान केदारनाथ द्वितीय केदार बद महेश्वर की डोली को हिमालय रवाना करते समय और हिमालय से डोलियों के मंदिर में आने पर हजारों की संख्या में यहां भक्त पहुंचते हैं। कल भगवान मदमेश्वर जी की डोली अपने मदमेश्वर धाम से ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पहुंचने वाली है और इससे पूर्व हमारे द्वारा यहाँ पर देवस्थान बोर्ड के द्वारा मदमेश्वर डोली के आगमन की जो आवश्यक तैयारियाँ होती हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और कल भगवान जी की डोली आगमन पर शीतकाल के लिए मदमेश्वर जी की 6 माह यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। विश्वख्यात भगवान तुंगनाथ ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल के 6 माह के लिए विराजमान हो गए हैं, जबकि कल द्वितीय केदार पद महेश्वर भी शीतकाल के लिए यहां विराजमान हो जाएंगे। डोली आगमन को लेकर शीतकालीन गद्दी स्थल को हजारों टन गेंदों के फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजने के बाद मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। स्थानीय भक्त पहले से ही यहाँ पहुंचकर मंदिरों को सजाने में लगे हैं। द्वितीय केदार मद महेश्वर की डोली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचते ही शीतकालीन यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी एनपी जमलोकी ने बताया कि मद महेश्वर भगवान की डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल में पहुंचते ही शीतकालीन यात्रा का शुभारम्भ होगा, जिसको लेकर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरी की रिपोर्ट। डोईवाला विधानसभा के रामनगर ढंडा में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया, जिससे लोगों में खुशी है। तो वहीं डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सारे निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए। स्पेशल असिस्टेंट केंद्रीय सहायता का मिला हमें लगभग देहरादून जिले के लिए 100 करोड़ मिला हुआ है, जिसमें से डोईवाला के लिए हमारे 14 मार्ग में 8 करोड़ का मिला हुआ है, जिसमें से लगभग हमें 40 किलोमीटर का कार्य होना है, बीसी होना है, 30 mm बीसी का कार्य होना है। इस पर मिल चुकी है, इसमें मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया इसमें। तो कब तक उम्मीद करें सर कि काम? इसमें टेंडर प्रोसेस हमारा चल गया है इसमें, और 28 तारीख को टेंडर रिसीव किया जाना है। डोईवाला विधानसभा में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और वो सब शासन प्रशासन को धन्यवाद देकर आभार जता रहे हैं। आना जाना भी ऐसी है, रोड भी खराब है, परेशानी होती है। कितनी परेशानी होती है? पत्थर है रोड में, कोई गाड़ी पंचर हो रही, बहुत सी कठिनाई होती है। अच्छा, अब जब पक्की बन जाएगी तो कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा सर, हम रात को भी आ जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब की विधानसभा है, लगातार सड़कें बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार जो उनका, जो उन्होंने रोड के लिए बजट आया। सड़क बहुत पुरानी है, कई साल से बनी नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है इधर सड़क से जाने में। तो अब जब से सरकार इसे बनाएगी तो हमें बहुत वो होगा फायदा इस सड़क में बनने का, कि रात को जैसे गाड़ी कई बार पंचर हो चुकी है हमारी ना, तो जैसे सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत अच्छा फायदा होगा इसमें जैसे। तो वही तमाम ऐसी सड़कों का भी निर्माण त्रिवेंद्र सरकार ने कराया है, जिनका निर्माण लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन सीएम के 3.5 साल के कार्यकाल में डोईवाला के विकास को गति देकर क्षेत्र को विकसित बनाया गया है। लगातार बन रही सड़कों से लोग भी शासन प्रशासन का आभार जताते हुए सीएम का भी आभार जता रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नए डीजीपी अब अशोक कुमार होंगे। आपको बताते चले कि आगामी 30 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद डीजीपी का पदभार अशोक कुमार संभालने जा रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना हमारी प्राथमिकता है और पुलिस व्यवस्था आम जनता के लिए बनी है, इसलिए हम आम जनता के साथ मिलकर ही पुलिस व्यवस्था की जाएगी।
राजधानी देहरादून में विश्व मत्स्यकी दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य पालक किसानों को बधाई दी और उत्कृष्ट और नई तकनीक से कार्य कर रहे मत्स्य पालक किसानों और महिलाओं को प्रशिक्षित पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने नई योजनाओं के साथ मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार कर रही है, जिससे मत्स्य पालक किसान और भी मजबूत हो सके और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्य के दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है, जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। खबर सितारगंज से, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नगर के विकास कार्यों को रोकने की मंशा से तरह तरह की जांच के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारा 5 मांगों को लेकर लगातार जो है धरना जारी है। आज भी धरने का दूसरा दिन है। इसमें जो है कि आज हमारे सभासदों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के महामंत्री जो समर्थन देने हमें पहुंचे हैं, राजीव गुप्ता जी, इन लोगों के समर्थन में आज एडीएम कांजपाल जी का यहां पे आपने देखा होगा पुतला भी फूका है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर विकासखंड नौगांव में पहली बीडीसी बैठक में यमुना घाटी को पृथक जनपद बनाए जाने का मुद्दा ध्वनि मत से पारित हुआ। बीडीसी बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व जिला स्तरीय अधिकारियों के उपस्थित न होने पर खूब बहस हुई। क्षेत्र पंचायत बैठक में एक नजारा ऐसा भी आया कि चिमलासारी क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमित्रा अपने 6 माह के बच्चे को लेकर के बैठक में मौजूद रही। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई व जनहित के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्लॉक प्रमुख सरोज पंवार ने उपस्थित अधिकारियों को सभी समस्याओं के माह के भीतर ही समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक शुरू होने से पूर्व उप जिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान का ब्लॉक प्रमुख सरोज पंवार, परियोजना निदेशक का ज्येष्ठ प्रमुख किशन सिंह राणा ने गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। ग्राम चतुर्नाल का सचिव प्रधान संगठन विकास नाव, मतलब हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और हमारा दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य कि हमारी पहली बीडीसी आज 20/11/2020 को होने जा रही है, जिसमें कोई भी जिला स्तरीय कर्मचारी उपस्थित नहीं है। इस प्रकार की बीडीसी होने से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत आहत पहुँचा है तथा अगर भविष्य में इस प्रकार बीडीसी होती सभी कर्मचारियों को बुलाया जाए ताकि जनप्रतिनिधि की समस्या उन तक पहुँचे और उनका समाधान ऑन द स्पॉट हो सके। रुद्रप्रयाग में सुरमय मखमली बुग्यालों के मध्य विराजमान और पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मदमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ने अपना अंतिम रात्रि प्रवास गिरिया गांव में किया। भगवान मदमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के आगमन पर श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूलों की बारिश कर
भव्य स्वागत किया। आपको बताते चले रविवार को भगवान बदमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गिरिया गांव से रवाना होकर विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। राकेश्वरी मंदिर रांची से प्रस्थान करके सभी पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए और आज रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंच गई है और कल सुबह प्रस्थान कर फापन पाली फापन होते हुए मंगलचारी होते हुए उखीमठ अपने ओंकारेश्वर मंदिर शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुँचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अब आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी बद्रीनाथ धाम से योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर होकर अपने मूल निवास जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पौराणिक मठ आंगन कोट में स्थापित होगी। आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी की पूजा अर्चना के बाद सुबह योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से डोली को रवाना किया गया। वहीं इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गद्दी की पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी कोस के सानिध्य में शंकराचार्य गद्दी को यात्रा के लिए जोशीमठ के नरसिंह मंदिर लाया गया। यहां पर लोगों ने फूल वर्षा करके शंकराचार्य गद्दी का स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद आदिगुरु शंकराचार्य जी को गद्दी जो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के शंकराचार्य कोर्ट में विराजमान की गई है। खबर सितारगंज से, जहां पर नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश हरबोला के नेतृत्व में नगर के टर्नर सर्जिकल अस्पताल में निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में तमाम खामियां मिली। चिकित्सालय के शौचालय स्वयं बीमारियों का केंद्र बने थे। वहीं मेडिकल वेस्ट को निस्तारित करने के लिए लगाया गया ईटीपी प्लांट भी काम नहीं कर रहा। राज्य मंत्री व अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को 15 दिन के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अवहेलना हुई है, ना ईटीपी प्लांट चल रहा है, जो मायोमेडिकल भी 48 घंटे में उठ जाना चाहिए वो 9 तारीख का इतने दिन होने के बाद भी नहीं उठा, जिसमें कीड़े तक पड़ गए। कोई भी सेंट्रल स्टोर नहीं है, लेट्रिन वगैरह की व्यवस्था ऐसी, कर्मचारी कोई मेडिकल नहीं है। लेकिन हमारा काम किसको हरेस करना नहीं है, किसके जबरदस्ती जुर्माना लगाना काम नहीं है, इसलिए हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया। 15 दिन का व्यवस्था सुधर जाएंगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगी तो कार्रवाई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर किच्चा से, जहां पर धान की तौल न होने पर डिप्टी आरएमओ को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसानों ने उनका घेराव किया और धान से भरी ट्रॉलियां लेकर के डीएम कार्यालय पर धरने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू किसानों की समस्या को लेकर खाद्य विभाग के कांटे पर पहुंचे। वहां किसानों ने डिप्टी आरएमओ वेद प्रकाश धूलिया से धान खरीद न होने की शिकायत की तो उन्होंने कोटे से अधिक धान की खरीद होने का हवाला दे दिया। किसानों ने राइस मिलर से अधिकारियों की मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनसे किसानों की नोकझोंक देखने को मिली है। आज उत्तराखंड सरकार ने किसान उनका जो धान तोलने का लक्ष्य 1 करोड़ क्विंटल रखा था, उसके सापेक्ष अभी तक लगभग 90 लाख क्विंटल तोला है और तोल सब बंद कर दी गई। केवल खाद्य रसद विभाग की तोल खोली गई है। मेरे इस परिपेक्ष में उत्तराखंड के जो खाद्य सचिव हैं सुशील कुमार, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा इसमें हम कार्रवाई करें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है अभी तक कुछ कार्य नहीं हो पाए। अब छोटे छोटे किसानों को अपने धान तोड़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर तुलवाना पड़ेगा और लाइन पर लगना पड़ेगा, और जब इन्होंने करना ही है तो ये व्यवस्था क्यों कर रहे हैं।
डोईवाला शुगर मिल के पेराई क्षेत्र 2020-21 की शुरुआत होने जा रही, जिसे लेकर मिल प्रशासन तैयारियों में जुटा है, जिसके चलते मशीनों की रिपेयरिंग का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। लगभग 25 से 27 नवंबर के बीच इस पेराई सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी, जो कि किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इसी को लेकर के उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री करण बोरा ने शुगर मिल के पेराई सत्र के बारे में मिल के अधिशासी अधिकारी के साथ वार्तालाप करके मिल की तैयारियों का जायजा लिया। गत वर्ष की अपेक्षा इस बार बहुत तेज़ी से कार्य हुआ है और जहां तक शुगर मिल का सवाल है, बहुत जल्दी इस सत्र को शुरू करने जा रहे हैं और लगभग 25, 26, 27 में से कोई डेट हो सकती है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है तो उसको दृष्टिगत बहुत अच्छे स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और अभी जैसा कि मैंने देखा कि इस बार जो मशीनरीज हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल पर हो रही है। खबर मंगलौर से, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मस्टान की दुकान पर गैस सिलेंडर फटने से हुई दुर्घटना की जांच करने पहुंची। बीते दिनों मस्टान की दुकान पर गैस सिलेंडर फटने से दो युवकों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद मस्टान की दुकान पर अवैध रूप से रखे 23 सिलेंडर बरामद किए गए और मस्टान स्वामी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।